दोस्तों, आज हम आपको बालको के ऐसे कर्तव्य परायण सदस्य से रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने बालको टाउनशिप में हो रही बिजली की चोरी रोकने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये हैं बालको टाउनशिप में सहायक चार्जमैन के तौर पर कार्यरत मोहम्मद अनीस सिद्दीकी। अनीस जी, बालको समाचार की इस बुलेटिन में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जी धन्यवाद। सबसे पहले आप हमें अपनी शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के बारे में बताएं। मैंने इलाहाबाद से जो है इंटरमीडिएट पास किया है 1973 में और आईटीआई जो है इलाहाबाद से ही किया हूँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। आप बालको में कब से अपनी सेवाएं दे रहे हैं? बालको आने से पहले क्या आपका कोई अनुभव था? बालको मैं 1977 में ज्वाइन किया हूँ और इससे पहले मैं इलाहाबाद में 3 साल सर्विस किया हूँ 74 से 77 तक। और बालको में 1977 में मैं जब ज्वाइन किया तो हमारी पोस्टिंग सबसे पहले जो है अमरकंटक माइंस में की गई, रज्जू मार्ग सेक्शन में रोपवे जो है वहाँ किया गया और वहाँ हम लोग 1994 तक वहीं रहे, रोपवे में ही रहे। और उसके बाद जब रोपवे बंद हुआ तो 1994 से जो है हमारा ट्रांसफ़र जो है बालको कोरबा किया गया और यहाँ आने के बाद हम जो है नगर प्रशासन में जो है एज ए इलेक्ट्रीशियन के पद पर जो है रहे और अभी ACM के पद पर है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। अपने जीवन के 30 बसंत आपने बालको की सेवा में बिताए हैं, इस दौरान आपकी क्या उपलब्धियां रही? मुझे जो है ये बेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज का अवार्ड जो है ये एनर्जी सेविंग में जिसमें बिजली की बचत किया है और ये बिजली की बचत जो है अनऑथराइज रूप से जो चोरी की जा रही है बिजली या टैपिंग की जा रही है टाउनशिप के अंदर आसपास एरिया में उसको जो है कुछ हद तक जो है सॉल्व करने के उसमें मिला है। और इसकी वजह से ये चोरी की वजह से हमारे यहाँ आए दिन जो है ट्रांसफार्मर जो है कुछ जल जाते हैं, कुछ लाइनें टूट जाती हैं, कुछ जो है ब्रेकर में फॉल्ट आ जाते हैं और कभी कभी तो इतना ज़्यादा फॉल्ट आता है और तार और फेंक देते हैं जिसकी वजह से जो है हमारा 33 की लाइन भी बैठ जाती है, MRSDS तक कभी कभी प्लांट भी बैठ जाता था इसकी वजह से। और इसके लिए हमारे अधिकारी लोगों ने कहा कि भाई इसको कुछ रोकना है, आप कुछ करिए, अपनी टीम लीजिए जिसकी वजह से इसको रोकथाम कुछ करिए। तो इसके लिए हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया कि इसको जो है जहाँ लाइनों का ज़्यादा वो है अनऑथराइज टेपिंग किए हुए हैं इसको अपने सहयोगियों की मदद से और लेकर के और कुछ सुरक्षा बल भी साथ में लेकर के चले और उसको जो है जगह जगह हटाया गया। और ये निरंतर हम लोग काफ़ी दिनों से करते आ रहे हैं लेकिन इससे रिजल्ट उतना सही नहीं मिल पा रहा था क्योंकि दोबारा फिर कुछ दिन बाद जो है तार लगा लेते थे और हम लोग हटाते थे और लगा लेते थे। इसके लिए एक सुझाव दिया हमने अपने सम्मेलन सरकार साहब को कि साहब क्यों ना हमारी जो लाइनें जिधर की हमको ज़्यादा यूज़ नहीं है वो लाइनों को हटा दिया जाए और डाइवर्ट कर दें और केबल से अगर हम इसको कनेक्शन कर दें जिसमें कि तार फंसाए ना जा सके तो हमारी काफ़ी बचत होगी। तो उन्होंने हमारे सुझाव को माना और बोला कि हमारी तरफ से पूरी छूट है, आप जो भी वो है इसको करिए और इसमें जो है हमको जो है बिजली बचत करना है और ये अनऑथराइज टेपिंग हटाना है। तो इसके लिए हमारे पास उस टाइम तो केबल ज़्यादा उपलब्ध नहीं थे, फिर भी हमारे पास जो पुराने केबल निकले हुए दूसरी जगह यूज़ थे उसको यूज़ किया और उसको लेकर के अपने सेक्टर 6 हाउसिंग बोर्ड से लेकर के दहियान पारा सेक्टर 7 तक का जो भी लाइन था अनऑथराइज टेपिंग होता था उसमें लाइन को डाइवर्ट कर दिया दूसरे लाइन तरफ से जो हो सका और बाकी केबल से कर दिया जिससे जो है अनऑथराइज टेपिंग का काफ़ी हद तक जो है समाधान हुआ है और इससे बिजली की काफ़ी बचत हुई है, जो चोरी होता था और ब्रेकडाउन भी काफ़ी कम हुए हैं उस एरिया से। और उसी के उपलक्ष्य में जो है हमें ये पुरस्कार दिया गया है और इससे पहले भी हम जो है दीर्घ सेवा पुरस्कार पा चुके हैं, 25 साल का जो देते हैं दीर्घ सेवा पुरस्कार वो भी मिल चुका है हमें और अभी भी हमारा अभियान चालू है और जहाँ भी इस तरह के अनऑथराइज टेपिंग होते हैं जैसे ही हमको सूचना मिलती है और हम भी अपना दौरा करते रहते हैं जहाँ भी दिखता है उसको हटाने की पूरे प्रयास करते हैं और ये हमारा प्रयास जारी रहेगा। और अभी इससे काफ़ी कंपनी को फ़ायदा हुआ है, ये जो कि बिजली चोरी की वजह से जो ब्रेकडाउन थे वो कम हो गए हैं, कुछ जो है बिजली की बचत हुई है। क्या आप मानते हैं कि बालको प्रबंधन की नीतियों से कर्मचारियों का उत्साहवर्धन हो रहा है? जी हाँ, हम बालको प्रबंधन के जो है प्रोत्साहन इससे काफ़ी प्रसन्न हैं
क्योंकि इसकी वजह से कर्मचारियों में एक प्रोत्साहन इसलिए बढ़ता है कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमको जो है इसका इनाम पारितोषिक मिलेगा और इससे जो है कंपनी की भी उपलब्धि होगी, कंपनी को भी फायदा पहुंचेगा और इससे दूसरे कर्मचारी जो नहीं पाए हैं वो भी उत्साहित होंगे कि हमको भी इससे अच्छा काम करना चाहिए जिससे हमको जो है पुरस्कार मिले और कंपनी को भी फायदा हो इससे। और इसकी नीति बहुत अच्छी है, इससे जो है कम से कम लोगों में जागरूकता तो आ रही। पहले लोग सोचते थे कि अरे हमें क्या करना है, कंपनी को फ़ायदा होगा, हमको क्या इससे मिलेगा, लेकिन अभी जो है आदमी में जागरूकता आई है कि हम अगर अच्छा काम करेंगे, कंपनी के लिए हित में कुछ करेंगे तो हमको भी कुछ इससे फ़ायदा होगा। इसके वजह से जो है कर्मचारी काफ़ी प्रोत्साहित हैं और काम कर रहे हैं। बालको प्रबंधन के लिए मेरा यही संदेश है कि वो इस योजना को जो है लागू रखे और जिससे कर्मचारियों में हमेशा जो है जागरूकता रहेगी और उनको रहेगा कि हम अच्छे से अच्छा काम करते रहें और हमको जो है प्रोत्साहित करती रहेगी कंपनी। और बालको का जो है कर्मचारी ये अपने को अपना एक हर तरह से महसूस करे कि हमको जो है इसमें हर तरह से कंपनी को फ़ायदा पहुंचाना है और ये अपना घर है, इसमें भी जिस तरह की किसी भी तरीके की चोरी हो, चाहे बिजली की चोरी हो, चाहे और सामानों की चोरी हो या और किसी तरह से टूट फूट की वो है तो उसको भी वो रोक सके और अपना घर समझ के ही इसको जो है यूज़ करे और उसको जो है तो उसको फ़ायदा पहुँचाए। और अगर बालको प्रबंधन इसके ऊपर ध्यान देगा, ये प्रोत्साहन योजना को लागू रखेगा तो काफ़ी कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे और उनका जो है नज़रिया भी बदलेगा कि हमारी कंपनी दूसरे की नहीं, अपनी कंपनी है और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करते रहना है और इसको आगे बढ़ाना है। क्या अपने साथियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप जहाँ पर जिस स्थान पर भी काम कर रहे हैं वहाँ मेहनत और लगन से काम करिए, ईमानदारी से, और उसको अपना घर समझ के काम करिए। घर में ही हमारे अगर कोई चीज़ नुकसान होगा तो हमारा नुकसान होगा, निजी नुकसान होगा, फ़ायदा होगा उससे तो हमारा ही फ़ायदा होगा। और ये कंपनी और ये परिवार, ये अपना परिवार है, अपनी कंपनी है, इस दूसरे का नहीं कि कंपनी का चीज़ है इसको हम क्या करना है, हमें चोरी हो रही है या टूट फूट हो रहा है तो हमारा क्या जाएगा, हमको तो तनख्वाह मिलेगा, ये सोच के नहीं, इसको अपना जो है घर समझ के अपने मेहनत से काम करें और इसका इनाम कभी ना कभी उनको मिलेगा और इससे जो कंपनी की तरक्की होगी वो हमारी तरक्की होगी, हमारे परिवार, हमारे बाल बच्चे आगे बढ़ेंगे इससे पढ़ेंगे। सिद्दीकी जी, ये तो हुई आपके काम की बात, दर्शकों को बताएं कि आपकी रुचियां क्या हैं। मैं छात्र जीवन से ही जो है एनसीसी में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा हूँ और छात्र जीवन में मैंने एनसीसी की बहुत सारी उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं और मेरा पहला एक ही एम था, सेना में जाना, देश की सेवा करना। देश की सेवा में तो नहीं जा सका लेकिन फिर भी मैं कंपनी की सेवा कर रहा हूँ, वो भी एक देश की सेवा ही है कंपनी में आ करके। और छात्र जीवन में मैं एनसीसी में काफ़ी इंटरेस्टेड था और वहाँ जो है हमने बहुत सारी उपलब्धियाँ प्राप्त की। मैंने एनसीसी में जो है ए प्रमाण पत्र से लेकर के सी प्रमाण पत्र, जो कि सबसे लास्ट और सबसे कठिन होता है, उसको भी प्राप्त किया। और उसमें मैंने रॉक क्लाइंबिंग की कोर्स जो है नेहरू माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट उत्तरकाशी से किया और उसके बाद मैं एडवांस लीडरशिप कोर्स जो है वो पंचमढ़ी एमपी में जो है पंचमढ़ी से किया हूँ। और शूटिंग कंपटीशन में बेस्ट फायरर रहा हूँ हेडक्वार्टर का, जिसमें कि तीन डिस्ट्रिक्ट के प्रतापगढ़, इलाहाबाद और बांदा, तीनों उसमें जो है मैं बेस्ट फायरर रहा हूँ शूटिंग में। और मैं जो है गणतंत्र दिवस परेड किए उसमें भी जो है अपना प्रदेश लेवल तक जा सका, वहाँ भी काफ़ी मैं नेशनल लेवल तक जाना चाह रहा था लेकिन वहाँ नहीं पहुँच सका मैं। प्रदेश लेवल तक जो है उत्तर प्रदेश का कंटिजेंट होकर मैं लखनऊ तक गया हूँ और उसमें मेरी काफ़ी हो रही है। और खेलकूद में मैं क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहा हूँ और अपना कंपनी में भी जो है अमरकंटक में जब था मैं तो वहाँ टीम में था, अपने पानी रोपे की टीम में था और वहाँ से हर साल जो है हम लोग प्राइज पाते रहे हैं, हर साल फर्स्ट प्राइज पाते रहे हैं क्रिकेट में। और अभी भी जो है मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, अभी ये नहीं कि मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई है, मैं कंपनी में हूँ, इतना सर्विस हो गया है तो इसके बाद भी मैं अभी कंप्यूटर का कोर्स DCA कर रहा हूँ, जिसको कि ये कंपनी की तरफ से नहीं, मैं खुद से इंटरेस्टेड हूँ कि मैं पढ़ाई निरंतर जारी रखना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और घर में भी जो है मैं बागवानी में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ, जब भी हमें समय मिलता है मैं अपने छोटे से क्वार्टर के लान में जो है कुछ ना कुछ बागवानी करता रहता हूँ। अनिश जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद।
मोहम्मद अनीस सिद्दीकी की सफलता से उनके परिवारजन और सहकर्मी भी काफी उत्साहित हैं। सभी का मानना है कि बालको प्रबंधन की नीतियों से कर्मचारियों में आत्मविश्वास का संचार हुआ है। यहाँ से सिद्दीकी जी को मिला इसका पुरस्कार, माँ का श्रेष्ठ पुरस्कार मिला, उससे हम लोगों को बहुत खुशी हुई, पूरे परिवार को हम लोगों को मतलब बहुत ज्यादा खुशी हुई कि हाँ कुछ किए हैं इसकी वजह से, कंपनी के लिए कुछ ऐसा किए हैं जिससे मतलब इनको पुरस्कार मिला, पुरस्कृत किया गया। और हम लोग और चाहते हैं कि बालको के हर कर्मचारी को सामने आना चाहिए और इसके लिए मतलब कुछ करें बालको के लिए। और बालको प्रबंधन की तरफ से पापा जी को जो पुरस्कार मिला उसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। हम लोग को भी ऐसा लगता है कि हम लोग भी ऐसा कुछ करें कि हम लोग को भी कुछ ऐसा मिले इनाम। और हम लोग ये चाहते हैं कि हर बालको एम्प्लॉय कुछ ऐसा काम करे कि उसको कुछ इसी तरह का पुरस्कार मिले, इससे सबका मनोबल बढ़ता है। हम लोग खुद भी ये चाहते हैं कि सबके लिए ये चाहते हैं कि सभी कुछ करके दिखाएं, इससे बालको का भी नाम आगे बढ़ता है, बालको की तरक्की हो रही है और इससे हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं जी। बालको प्रबंधन की ओर से पापा को श्रेष्ठ कर्मचारी का पुरस्कार मिला, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। ऐसे ही सभी काम करें, सभी कर्मचारी बालको के और सभी को श्रेष्ठ कर्मचारी बने, ऐसा अच्छा लग रहा है, ऐसे सभी काम करें। हम भी सोचते हैं कि अच्छा काम करें, अच्छा मेहनत करें ताकि हम लोगों को भी मिले, यही महसूस करते हैं कि हम लोग भी उनके जैसे पहुँचे काम करें। बालको प्रबंधक जो योजना चलाता है बहुत अच्छा चलाता है और अच्छा कार्य कर रहा है, अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, हैं, और सबकी तरक्की हो रहा है, नए नए भर्ती भी ले रहा है, नए नए को रोजगार भी मिल रहा है, यही सब है सर।